कांग्रेस तो कंगाल निकली, वो फोर्स किया, सीडब्ल्यूजी किया, 2G, जीजाजी, नेशनल हेराल्ड और 70 साल घोटाले करके जो पैसा दबाया, विश्व की चौथी अमीर महिला सोनिया गांधी बन जाती है, स्विस बैंक में पैसा जमा कर करके भैया इतना पैसा कमाया। अब ये क्या सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेसियों ने राणा कपूर से 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया। क्यों बनाया? ताकि सोनिया गांधी का इलाज हो सके। पूरी कहानी में आपको समझाता हूँ और दोनों पर्सपेक्टिव समझाऊंगा। चलिए शुरुआत से समझाता हूँ। दरअसल ईडी ने मुंबई के एक कोर्ट में यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर के खिलाफ एक अतिरिक्त चार्जशीट फाइल की है। इसमें राणा कपूर का एक बयान है। उस बयान में बताया है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के दबाव में 2010 में प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन द्वारा बनाई गई राजीव गांधी की एक पेंटिंग को उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा था। और यह भी बताया जा रहा है कि कपूर को कहा गया था कि इन पैसों से सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में इलाज के लिए जरूरत है। इसके एवज में उन्हें पद्मश्री सम्मान देने का प्रलोभन भी दिया गया था। अब राणा कपूर ने ईडी को दिए गए बयान में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा और उनके पुत्र मिलिंद देवड़ा और अहमद पटेल का नाम लिया है। अब कपूर ने जो चेक के द्वारा प्रियंका गांधी को 2 करोड़ रुपए दिए थे, अब प्रियंका गांधी ने लिखित रूप में पैसे के बदले उस पेंटिंग का मालिकाना हक राणा कपूर को भी दिया था। अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। बात तो उनकी हुई है तो बयान तो नहीं कहेगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने राणा कपूर के ऊपर दबाव डाल करके ये वक्तव्य पक्का दिलवाया है। मुरली देवड़ा और अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं कि वो कुछ इस पे सफाई दे सके, पर मीडिया में जो हम और आप देख रहे हैं वहाँ चेक और प्रियंका गांधी के लिखित सर्टिफिकेट की कॉपी छपी है। इस पे किसी बात की भी शक नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग खरीदी थी। अब उन पैसों का क्या किया गया इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन जो राणा कपूर कह रहे हैं ना, जो 2 करोड़ दिया था वो 5,000 करोड़ रुपए में से था, जिसे गबन के आरोप में राणा कपूर जेल में है। अब क्या हो सकता है कि ईडी शायद जल्द ही प्रियंका गांधी वाड्रा से कहे, आइए मैडम कुछ सेवा पानी आपकी भी की जाए। देखो भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझना। देखो भाई, अगर इस बात को सही मान लें तो क्या हमें मैं ये नहीं कह सकता कि 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए थे, बहुत लिप्त थी, ये बात सरासर गलत कही गई है। अगर ये बात सही है तो सोचिए, नेहरू गांधी परिवार के बारे में धारणा बनाई थी कि 70 सालों में देश को लूट करके न जाने कितनी संपत्ति खड़ी की है, उनके बारे में ये कहानी सामने आई है, क्या इस पर यकीन इतनी आसानी से किया जा सकता है? दिमाग खोलिए अपना। क्या सचमुच सोनिया गांधी का अमेरिका में इलाज कराने के लिए प्रियंका गांधी ने मिलिंद देवड़ा के जरिए दबाव बनवाकर MF हुसैन की पेंटिंग राणा कपूर को बेची? क्या सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल, मिलिंद देवड़ा के पास सोनिया गांधी का इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे? क्या इतनी आसानी से बात को मान लिया जाएगा? कहा तो यह जा रहा है कि राणा कपूर ने चेक में पैसे देकर के पेंटिंग खरीदी थी, इसलिए सौदे में कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर मिलिंद देवड़ा और अहमद पटेल के दबाव और पद्म भूषण की सौदेबाजी की बात उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से बचने के लिए सुनाई है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए देने वालों की कमी होगी, या फिर मिलिंद देवड़ा न्यूयॉर्क में उनका इलाज नहीं करा सकते थे। स्वाभाविक कॉमन सेंस वाली बात है। एक ये भी दिलचस्प है कि DHFL का पूरा NPA और यस बैंक का घोटाला 1,00,000 करोड़ रुपए का है, उसमें 2 करोड़ और वो भी MF हुसैन की पेंटिंग दे करके। बड़ा बात अजीब लगती है। अगर इसमें मैं पॉलिटिक्स आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उसमें बात साफ तौर पे हो जाती है कि देखो, अक्सर हमेशा देखा जाता है चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और उस दौरान कहा जाता है कि और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जाते हैं। उस वक्त ये भी कहते हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसका वादा कर दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद टाटा बाय बाय सब कुछ खत्म, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। देखो, गांधी परिवार के साथ भी 2014 के बाद ऐसा ही देखने को मिला था। जांच सालों से चल रही है, अब वह समय आ गया है कि गांधी परिवार के खिलाफ लगे सभी आरोपों का सबूत अगर जांच एजेंसी के पास है तो उसे कोर्ट में लेकर के जाएं, कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में गुहार लगाई जाए कि इन केसों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, ताकि अगर गांधी परिवार पर जो आरोप है
वो सही है तो पहुंचे ही जेल के अंदर, और अगर गलत है तो बरी कीजिए, सम्मान पूर्वक जीवन इनको जीने दीजिए। ये तो कर सकते हैं। ये भी संभव है कि गांधी परिवार के भ्रष्ट होने का आरोप राजनीति से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि ये आप भूलिएगा नहीं दोस्त, आने वाला वक्त अगले 2 वर्षों में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस साल के अंत में गृह राज्य नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले सारी बातें निकल के आ रही हैं। दोस्त स्थिति वहां पर कांग्रेस की काफी अच्छी है, तो थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मत लीजिएगा। लाखों करोड़ों रुपए का आप क्या कहते हैं गबन करेंगे और आरोप आप लगा देंगे, 2 करोड़ की पेंटिंग को लेकर के एक डिबेट को शिफ्ट ना होने दीजिएगा आप इस खबर पे। इसलिए आप इस डिबेट को शिफ्ट ना होने दीजिए, आंख कान और दिमाग बिल्कुल सामने रखिए। इस वीडियो को 3 WhatsApp ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।